हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल सीए राहुल गुप्ता जीएसटी में। आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न में फाइल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी कोई भी इनकम जो हम कमाते हैं वो 5 हेड में टैक्सेबल होती है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको पीजीबीपी भी कहा जाता है, कैपिटल गेन्स जिसमें शेयर्स की ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट होते हैं, और एक है अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाया है क्रिप्टो करेंसी, वो हमें और किसी हेड में नहीं जाने दे रहा, वो हमें सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्सेज में लेके जा रहा है। अदर सोर्सेज का जो हेड है वो रेजिडुअरी हेड है। अगर आपकी इनकम कहीं और टैक्सेबल नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिया जाता है। देखो दोस्तों, ना तो ये सैलरी है, ना हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, ना मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, ना मैंने कोई बिजनेस किया है, ना मैंने कोई कैपिटल गेन्स किया है, ना मैंने कोई शेयर्स बेचा है, ना मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है। तो दोस्तों, ये रेजिडरी हेड इनकम अंडर अदर सोर्सेज जाएगा। सो गेन फ्रॉम क्रिप्टो विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड विल नॉट बी टैक्स्ड अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन्स। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी दोस्तों, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगा। तो हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि ये सिर्फ और सिर्फ अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेशन रेट ऑन क्रिप्टो इनकम्स, अब हमें यह जानने की जरूरत है कि टैक्सेशन रेट क्या होगा क्रिप्टो के ऊपर। दोस्तों, पहली बात तो सेक्शन 115 बीबीएच गवर्नमेंट ने इस साल बजट 2022 में इंट्रोड्यूस किया है, जो प्रपोज्ड है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये फाइनल अप्रैल के आसपास होगा, अप्रैल 2022 के आसपास, लेकिन मोर और लेस ये यही फाइनल होगा, बाकी लेट सी। टैक्सेशन रेट ऑन क्रिप्टो इनकम्स विल बी फ्लैट 30%, विल बी फ्लैट 30% विदाउट द बेनिफिट ऑफ एनी स्लैब रेट। मतलब हमें स्लैब रेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। हाँ, ये भी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री है, तो अगर मैंने 2.5 लाख रुपए क्रिप्टो को बेच के कमा लिए तो दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, कोई स्लैब रेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एंड इट विल अप्लाई फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23, मतलब जो आप अप्रैल 22 से मार्च 23 में जो भी इनकम कमाएंगे, जो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो भी आप कमाएंगे, जिसका प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24, ये आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या मतलब होता है। जिन दोस्तों को दिक्कत आ रही है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को लेके, वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, जो स्लैब रेट का बेनिफिट है, दिस इज नॉट अवेलेबल इन क्रिप्टो। इसमें भी दो तरीके के स्लैब थे दोस्तों, वो दोनों आप देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो इन दोनों में से कोई भी स्लैब रेट आपको नहीं मिलने वाला है, अगर आपकी क्रिप्टो की इनकम तो है, लेकिन अगर आपकी कोई अदर इनकम्स है उसके लिए नॉर्मल स्लैब रेट जो भी फॉलो होते हैं वो होंगे। सो दोस्तों, अब मेरे पास एक क्वेरी और आई, सर मैंने एक वायर में प्रॉफिट कमाया, एक वायर में लॉस कमाया, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10 वायर ट्रांजेक्शन करी। सो दोस्तों, मैं अब आपको ये बता देता हूं, सपोज एक बंदे ने अप्रैल 22 से लेकर मार्च 23 तक ये कमाया, 1 लाख का पहले प्रॉफिट कमाया, फिर 50,000 का लॉस कमाया, फिर 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, फिर 1,90,000 रुपये का लॉस कमाया। सो दोस्तों, नेट में अगर हम देखेंगे तो इसने मात्र 10,000 रुपये कमाए हैं। तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं कहती है कि आप इसके ऊपर 30% दो और इसके ऊपर 30% दो, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कहती। गवर्नमेंट कहती है आप सिर्फ इसके ऊपर जो आपने पूरे साल में नेट में कमाया है उसके ऊपर 30% टैक्स दो। यही हमने लिखा है, 30% विल बी टैक्स्ड ऑन 10,000, सो 3,000 विल बी द टैक्स पेबल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। नाउ दोस्तों, अब ये तो हमने प्रॉफिट का समझ लिया ट्रीटमेंट, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो पहली बात ये, मान लीजिए मुझे 90,000 का लॉस हुआ, एक मिनट,
पार्ट वन। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैंने मई 22 में प्रॉफिट कमाया एंड देन मैंने जून 22 में प्रॉफिट कमाया, इन दोनों महीने में मैंने लॉस कमाया, तो नेट में मैंने 90,000 का लॉस कमाया। मतलब मेरा प्रॉफिट नहीं है, मैं लॉस में हूँ 90,000 रुपये। 31 मार्च 2023 को मैंने 90,000 का लॉस रिपोर्ट करना है। तो पहली बात, इस साल मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं देना, क्योंकि मुझे नेट में लॉस हुआ है। मुझे ये नहीं है कि ये 1.5 लाख का प्रॉफिट है और ये 50,000 का प्रॉफिट है, इस पर 30% टैक्स देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर ये मिसकंसेप्शन है तो मैं यहाँ से आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इस 90,000 पे टैक्स देना था, बट इट इज़ अ लॉस। अगर ये 90,000 का प्रॉफिट होता तो मैं 30% टैक्स देता, अगर मुझे 90,000 का लॉस है तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना। अब दोस्तों मेरे पास ओपनिंग लॉस था 90,000 रुपए, मैं अगले साल में चल पड़ा हूं, मेरे पास 90,000 का लॉस था अगले साल अप्रैल 23 से जनवरी 24। अब मैं उससे भी एक साल आगे चला गया, प्रीवियस ईयर 23-24, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25, उसके अंदर मान लीजिए मुझे नेट में 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो क्या दोस्तों मैं 1,60,000 से 90,000 का लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं? भाई वो भी क्रिप्टो का लॉस था, ये क्रिप्टो का गेन था। ड्यूरिंग द ईयर तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया, लेकिन गवर्नमेंट ने सेट ऑफ को अलाउ नहीं किया। जो साल है, अगर उस साल आपने प्रॉफिट में हो तो टैक्स दे दो, लॉस में हो तो उस लॉस को भूल जाओ, उस लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये लॉस आपका ओपनिंग लॉस पिछले साल ही जीरो हो गया। आप सीधा अपना 1,60,000 रुपये के ऊपर 30% के हिसाब से 48,000 रुपये का टैक्स जमा कराने के लिए बाध्य हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।